बैंक्स और एनबीएफसीज किसी भी बूमिंग इकोनॉमी में इन दोनों का बहुत मेजर रोल होता है। आज इस इंडस्ट्री का ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेंगे और फिर बताऊंगा इन दोनों में बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं। चले Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. आज हम बात करने वाले हैं about banks and NBFCs. अब सबसे पहली चीज banks होते हैं, NBFCs क्या होते हैं? Non banking financial corporation. तो technically ये भी पैसे lend करते हैं, ये कुछ type के deposit भी ले सकते हैं और ये RBI की separate guidelines होती हैं। तो एक bank बहुत ज़्यादा risky loan देना avoid करेगा। उसकी होगा कि अगर इतनी ITR नहीं है आपको loan में नहीं दूंगा। NBFC आपको loan दे देगा, but वो interest rate भी ज़्यादा charge करता है। ठीक है, सो बैंक्स एंड एनबीएफसी अब किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अगर सपोज मेरी पूरी बॉडी एक इकोनॉमी है तो जो मेरा नर्वस सिस्टम है, जो नसें दौड़ रही है, वो है बैंक्स एंड एनबीएफसी फॉर द एंटायर इकोनॉमी। तो अगर इस बैंकिंग और एनबीएफसी कुछ हो गया और मेरे नर्वस सिस्टम कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरी बॉडी कोमा में चली जाएगी, इकोनॉमी कोमा में चली जाएगी। दैट इज वाई गवर्नमेंट ना इस सेक्टर को बहुत एड करती है, इसका बहुत ख्याल रखती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहुत फोकस ही रहता है और आरबीआई तो देखो है। अब 2019 में इस इंडस्ट्री ने बहुत ही सफर किया था। INFS क्राइसिस हो गई थी, फिर DHFL इतना बड़ा NBFC था वो खत्म हो गया था, उसके बाद येस बैंक का क्राइसिस आ गई थी, नीरव मोदी जैसे स्कैम्स आ रहे थे, PNB में क्वेश्चन उठ गया था, NPS भर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और कभी भी क्रेडिट ग्रोथ पे फोकस हुआ ही नहीं। बट अब लकीली गवर्नमेंट सपोर्ट भी था, इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर हो गई कि अब बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। एंड फोकस तो छोड़ो, ये है रिजल्ट्स और हमारी क्रेडिट ग्रोथ इज हाईएस्ट सिंस डिसम्बर 2016 और FY23 में एक्सपेक्टेड क्रेडिट ग्रोथ थी 10%, अब उसको बढ़ा के एक्सपेक्टेशन कर दिया 13% और ये बहुत पावरफुल चीज है। अब क्रेडिट ग्रोथ होता क्या है ये मैं आपको बस इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट कि आपको लॉजिकली समझ आए तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब क्रेडिट ग्रोथ होता है कि जब बैंक्स लोन ज्यादा देते हैं उनका क्रेडिट का बिजनेस ज्यादा होता है और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है। कैसे? अब सपोज आपने लोन लिया, आप खर्चा करोगे, आप चीजें खरीदोगे, कहीं तो पैसे स्पेंड करोगे ना, इसलिए आपने लोन लिया। जब आप वो करोगे कंपनीज का प्रॉफिट होगा, वो कंपनीज और सामान बेचेंगी क्योंकि यार उनके सामान बिक रहा है तो वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगी और सामान बेचेंगी, और सामान बेचने के लिए वो और लोगों को जॉब मिलेंगी, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जॉब्स और मिलने लग जाएंगे और जब ये होगा तो फिर वो और चीज़ें खरीदेंगे, वो और लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए और लोन लेंगे, कंपनीज लोन लेंगी, अपने इंडस्ट्री बिगड़ करेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए क्रेडिट ग्रोथ। अब ये तो है नॉर्मल चीज़, बट मैं आपको बताता हूँ अब नॉर्मल चीज़ क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियल चीज़ हिंदुस्तान में क्या हो रही है। इज दैट कि इन्फ्लेशन हम सबको पता है बहुत ज़्यादा है, कम हो भी रहा है। अब इसके लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ने बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई, व्हेन डिमांड इज हायर सप्लाई इज लेसर, चीज़ें महंगी हो जाएंगी बिकॉज अगर ये मग है तो ये मग सिर्फ दो ही हैं और खरीदने वाले 100,000 हैं तो मैं बोलूँगा 100 का दे दो, कोई और बोलेगा 103 का दे दो, कोई और बोलेगा भाई मैं 200 रुपये दे रहा हूँ, इस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी। वाई? डिमांड इज हायर सप्लाई इज लोअर, सिंपल फंड है। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। व्हेन आई से बैंक्स इंटरेस्ट रेट, मेरा मतलब है लोन्स का भी डिपॉजिट का भी। अब दोबारा डिमांड सप्लाई पे आते हैं, डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, इससे इन्फ्लेशन हुआ, लोन्स महंगे हो गए, लोग खर्चा कम करेंगे ज़्यादा, कम क्यों, लोन्स महंगे हो गए, अनअफोर्डेबल हो गए, प्लस आपको डिपॉजिट्स में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, FD में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे यार सेव कर देते ना, डिमांड और कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते ना क्रेडिट ग्रोथ कम होता है, बट हिंदुस्तान में कुछ अलग ही हो रहा है। अभी हिंदुस्तान में ये हो रहा है दैट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद इन्फ्लेशन तो कम हो गया है विच इज अ गुड साइन, बट क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी जा रही है विच इज एन एक्सपोनेंशियल साइन। और हम इन्वेस्टर्स जब ये देखते हैं ना हमारे मुंह से पानी टपक नहीं जाता बिकॉज ये लाती है ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब मैं आपको बताऊंगा द टॉप बैंकिंग एंड NBFC स्टॉक्स और उनके बारे में सारी डिटेल्स। चलो, अब बैंकिंग बिजनेस ना दो टाइप का होता है। सबसे पहला रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती हैं प्रोफेशनल्स को, उन लोगों को जो जनरली सैलरीड है, सैलरीड अकाउंट्स खुलते हैं, ये लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लोन का साइज छोटा होता है और सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पता है सैलरी आ रही है, पैसे तो देखो आ ही जाएंगे। दूसरे बैंकिंग बिजनेस होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग बिजनेस को लोन देना, मैन्युफैक्चरर्स को लोन देना, अब इसमें लोन साइजेस बहुत बड़े होते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है बट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। NPS, NPS क्या होता है, NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब आपने कोई बैंक ने लोन दिया पैसे वापस नहीं आए इट्स NPA। नीरव मोदी क्या था, NPA। विजय माल्या क्या था, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPS दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले होता है ग्रॉस NPA। ग्रॉस NPA मतलब जिस बंदे ने पैसे लोन पे लिए अगर उसने 3 महीने तक कंटिन्यूसली कोई लोन की पेमेंट नहीं की है
उसको ग्रॉस एनपीए में डालते हैं कि ये एनपीए हो सकता है, और फिर आता है नेट एनपीए। और नेट एनपीए का मतलब कि बैंक ने इसको ले लिया है कि तो नुकसान है ही है। सबसे पहला स्टॉक वो है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये वो बैंक है जिसको आरबीआई ने सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस दिया था इन 1994। और ये बैंक है लेडीज एंड जेंटलमैन एचडीएफसी बैंक। चांसेस यही है क्या हो सकता है आपका खुद का एचडीएफसी में अकाउंट हो या किसी को जानते हो उसका तो अकाउंट होगा ही होगा। मैं आपको इसका स्केल बताता हूँ। एचडीएफसी बैंक की 6,499 ब्रांचेस हैं, 18,688 ATMs हैं एंड 3,226 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। इनकी क्रेडिट कार्ड बिजनेस की बात करें तो दोस्त पहले इनका था 26.4% और अब हो गया है 27.7% विच इज वेरी वेरी हेल्दी। और ये बैंक कितना डोमिनेंट है आपको इससे पता चल जाएगा। फाइनेंशियल 2022 में पूरे जो लोन सैंक्शन थे उसमें से 11.2% एचडीएफसी के थे एंड पूरे जो डिपॉजिट्स हैं 9.5% आर विद एचडीएफसी। और ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। अब अगर मैं एचडीएफसी बैंक का बिजनेस देखूंगा ना, तो जैसे आपको दिख रहा है रिटेल बैंकिंग हल्के हल्के कम हुआ है और कॉर्पोरेट बैंकिंग हल्के हल्के बढ़ा है, विच इज वेरी गुड, बट एक बहुत मेजर रिस्क ऑफ एनपीएस। एंड इसके बावजूद एचडीएफसी के लोएस्ट एनपीएस है इन द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री इन आर कंट्री। मतलब जिस बेसिस पे लोन दे रहे हैं, जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किए ना, दे आर एब्सोल्युटली इंपेकेबल। अब इनके एनपीएस देखने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक का ग्रॉस एनपीए इज 1.23% विच इज एट द लोएस्ट एंड नेट एनपीए इनका है 0.33%। ये है इनका ग्राफ और इनकी रिटर्न्स 2,91,093% आई है। हाँ, कुछ टाइम से रेंज में है बट उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जब आगे बढ़ेंगे ना, उस पूरी चेन को लीड एचडीएफसी ही करेगा। सेकंड बैंक वो बैंक है कि जब आप बैंकिंग के बारे में सोचते हो ना, शायद सबसे पहला नाम आपके दिमाग में यही है। ये वो बैंक है जिन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया और रिटर्न्स तो ओहो अलग लेवल पे आ रही है। सेकंड बैंक हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक रिटेल बैंकिंग में है, होलसेल बैंकिंग में है, ट्रेजरी ऑप्शंस में है। हमें पता है यार आईसीआईसीआई बैंक क्या है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने क्या डिफरेंट किया है दैट इन्होंने अपना बिजनेस फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंकिंग टू रिटेल बैंकिंग शिफ्ट कर दिया। याद है आपको एचडीएफसी क्या बता रहा, कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बट दे हैव बीन प्रॉफिटेबल। आईसीआईसीआई ने दूसरा पाथ चूज किया है, दे शिफ्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट टू रिटेल बैंकिंग और इसके बहुत बेनिफिट्स इस बैंक को मिले हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो उनकी फी बेस्ड कमीशन सिस्टम होता है, सपोज किसी म्यूचुअल फंड में या किसी इंश्योरेंस में, वो बहुत बढ़ गया। दूसरा कि इनके एनपीएस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तीसरा कि इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। क्यों? रिटेल बैंकिंग में कर रहे हैं, वो सब सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। जितना बैंक के पास सेविंग्स अकाउंट में पैसा रहेगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स उतने नीचे आएंगे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सच अ लार्ज कॉर्पस, राइट, विच इज एट 3.71% इन फाइनेंशियल 2022, विच इज द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। थर्ड बेनिफिट आता है, इनके क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बहुत बढ़ गया। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस FY21 में 4.5% का था और अब वो हो गया है 5.5% का। हाँ, HDFC देखो काफ़ी कम है बट HDFC के बाद ICICI आता है क्रेडिट कार्ड में। और इस कंपनी की नई मैनेजमेंट है अंडर संजय बख्शी एंड दे हैव बीन डूइंग वंडर्स। जो फाइनेंशियल 2022 के फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला था कि इनका मेन फोकस है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन रखना। और जब से संजय बख्शी आए ना, इनका रिटर्न ऑन एसेट्स इधर से इधर हो गया और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इधर से इधर हो गया। इस बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी पे भी बहुत इंप्रूव किया फ्रॉम द लास्ट ईयर एटलीस्ट, बट स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और आईसीआईसी की मैनेजमेंट में लग रहा है कि भाई इनमें दम है। एनपीएस की बात करें, इनका ग्रॉस एनपीए है एट 3.19% विच इज डेफिनेटली हाई। इनका नेट एनपीए है 0.61%। ये है इनका ग्राफ। आईसीआईसीआई रिटर्न दिए है 22,424% एंड रिसेंटली तो ये स्टॉक एकदम भागा है बिकॉज उनका बिजनेस शिफ्ट स्ट्रैटेजी है ना, इन्वेस्टर्स ने तो उसको बहुत अच्छा लिया है, इन्वेस्टर्स आर जस्ट लविंग इट। अब थर्ड बैंक वो बैंक है जो हिंदुस्तान का पहला एनबीएफसी था विच कन्वर्टेड टू अ प्रॉपर कमर्शियल बैंक। ये बैंक वो है जो सब कुछ ही कर रहा है। ये बैंक कमर्शियल बैंकिंग में है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में है, कंज्यूमर बैंकिंग में है, वो तो है ही, प्लस क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग में भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है खुद की पूरी, लाइफ जनरल इंश्योरेंस में भी है, स्टॉक ब्रोकिंग में भी है, प्राइवेट बैंकिंग में भी है, माइक्रो फाइनेंस में भी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन में भी है, हर चीज में है। और ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रही हो और कोटक महिंद्रा बैंक का नाम ना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये इन्वेस्टर्स का ना बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है सिंस क्वाइट अ व्हाइल, बट रिसेंटली ये स्टॉक थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? ये स्टॉक बहुत टाइट रेंज में अटका हुआ है।
इसके दो मेजर reasons हैं। सबसे पहला कि कोटक का स्टॉक ना सबसे overvalued है इन entire private sector banks, which definitely is not a good sign. Second issue है that उदय कोटक जो 1985 से इस पूरी organization को आगे लेते हुए जा रहे हैं, अब वो आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस एक बिजनेस हेड एक सर्टन टेन्योर तक ही रह सकता है। अब उस टेन्योर से आगे बढ़ गए तो इन्वेस्टर्स थोड़े से सिनिकल हैं कि यार मैनेजमेंट का क्या होगा, उदय कोटक नहीं है, विल इट बी द सेम, क्या ग्रोथ सेम रहेगी, क्या हंगर सेम रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट बैंक फ्यूचर के लिए बहुत मेजर फोकस कर रहा है। सबसे पहली चीज, कोटक महिंद्रा बैंक का सिर्फ एक ही फोकस है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो एंड सबसे ज्यादा कंज्यूमर के एक्सपीरियंस के लिए हो। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू गो फॉर रैपिड एक्सपेंशन। एंड पर्सनली इफ आई टेल यू, मेरी बैंकिंग HDFC और कोटक बैंक से होती है, एंड कोटक बैंक का नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कोटक बैंक की फोन ऐप इज फार 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 सुपीरियर देन HDFC। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो टेक्नोलॉजी हमने रिसर्च टाइम फाइंड आउट किया वो एज अ कंज्यूमर बिना मैं फील करता हूँ। और टेक्नोलॉजी को और भी बेटर करने के लिए इन्होंने Amazon.com के वेटरन को हायर किया है, विच इज भवनीश लथिया, और ये पूरा कंज्यूमर एक्सपीरियंस संभाल रहे हैं, विच वी कैन ओनली बी सर्टन कि ये बैंक आगे और भी बढ़ता जाएगा। ये बैंक लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन हो सकता है। इनके एनपीएस की बात करते हैं, इनका ग्रॉस एनपीए है ऑफ 2.08% और नेट एनपीए है ऑफ 0.55%, विच इज गुड। और ये है इनका स्टॉक, 81,000% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है, टाइट रेंज में चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म प्ले दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। फोर्थ कंपनी वो कंपनी है जो पिछले 10 साल से 50% का CAGR दे रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, पिछले 10 साल से ऑन एन एवरेज इनका स्टॉक हर साल 50% से ऊपर जा रहा है। दिस स्टॉक इज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर्स हमारे मार्केट्स में पिछले 10 साल में। ये स्टॉक ने रिटर्न दी है ऑफ 1,20,000%। ये स्टॉक NBFC इंडस्ट्री का बादशाह है, राजा है, एंड आई नो बहुत लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, ये स्टॉक है बजाज फाइनेंस। इस कंपनी की स्टोरी ना इज इंस्पिरेशनल। ये कंपनी किस पेस में, किस लेवल से किधर आ गई है, इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अब बजाज फाइनेंस लेंडिंग में है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं लेंडिंग में एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं। ये कंपनी है रिटेल लेंडिंग में, प्रोफेशनल्स को लेंडिंग करती है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस में इनका लेंडिंग होता है, कमर्शियल कस्टमर से लेंडिंग होता है, इनकी अर्बन एरियाज में प्रेजेंस है, इनकी रूरल एरियाज में बहुत सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस ये पब्लिक डिपॉजिट्स भी लेते हैं, ये कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी लेते हैं और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं। ये बिजनेस इतना ग्रो किया है, आपको सिंपल फैक्ट से पता चल जाएगा दैट इन 2006 जो एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी के थे वो थे 1,000 crores। पहली बार 2004 में 1,000 crores को क्रॉस किया था, विच वॉज अ वेरी ह्यूज मार्क। आपको पता है आज इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं? 2,18,366 crores। दिस इज बजाज फाइनेंस। इनका मार्केट शेयर भी 14.5% से 22.75% हो गया। अब इनकी थोड़ी स्टोरी जानते हैं। 2008 में जब पूरी सबप्राइम क्राइसिस हुई थी, ये एक बहुत सिंपल लेंडिंग कंपनी थी। Then they made a point कि we have to diversify into other types of products और हमें expand करना है crazy। उस time पे इन्होंने expand किया अपने आप को in 3,504 locations with 1,33,200 points of sale। Expansion हो रहा है। अब expansion इन्होंने हर business domain में किया है। इन्होंने e-commerce websites भी किया है, जहाँ पे electronic products में ये अपनी financial services देते हैं, ancillary products में देते हैं, insurance distribution में देते हैं, investment distribution में देते हैं। मतलब आप खुद ट्राई कर लो, इफ यू वांट ईएमआई नहीं प्रोडक्ट, कुछ खरीदना है ईएमआई चाहिए, 90% चांसेस आर आप बजाज फाइनेंस से ही ईएमआई लोगे, बिकॉज इट इज सो स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट और ये बजाज है और बजाज ही खुद की ट्रस्ट वैल्यू होती है। और सबसे बेस्ट बात तो मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, बेस्ट बाय स्टॉक की ये है, ये है NBFC। याद है मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था, एक NBFC का रिस्क बड़ा हाई रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली NBFC को वो लोन देता है जिनको बैंक लोन शायद नहीं दे रहा, तो रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहता है, NPA का चांस बहुत ज्यादा है। Now look at this, इनका gross NPA है 1.17%, yes ये ICICI और कोटक से भी कम है, and इनका net NPA है only 0.44%। It is absolutely insane जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये है इनका ग्राफ और returns है of around 1,20,000%। It's inspirational। Fifth bank वो bank है जो Fortune 500 companies में आता है। Fifth bank वो bank है जिसकी हिंदुस्तान में 200 साल पुरानी history है। फिफ्थ बैंक वो बैंक है जो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल बैंक है। आपको पता है, आपके मुंह पे आ गया है, फिफ्थ बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग की बात करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर यू। 1990s में ना SBI इतना बड़ा था कि सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक शायद SBI का 30% भी ना हो। दिस वॉज हाउ बिग SBI वॉज। बट
एज टाइम इज प्रोग्रेस ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, SBI, ये बहुत पीछे रह गए. क्यों? बिकॉज एक तो इन बैंक्स को इतनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ईजी नहीं होता. प्राइवेट सेक्टर बैंक से मोर एग्रेसिव. दूसरा, एक पब्लिक सेक्टर बैंक का ना फोकस से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता. पब्लिक सेक्टर बैंक आपके गांव गांव में जाके ब्रांच खोलेगा, गांव में जाके ATM खोलेगा, जबकि वहां पे नुकसान हो रहा है शायद ATM खोलने में, उतना बिजनेस मिलेगा भी उस ब्रांच से, बट स्टिल खोलेगा. व्हाई? बिकॉज एक पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन फोकस इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, उनका मेन फोकस मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. रूरल एरियाज में भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचनी चाहिए. अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होते ना देश में, तो बैंकिंग सिर्फ 4-5 सिटीज में ही हो रही होती. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, 5-6 सिटीज और दैट्स इट. दे वुड हैव नेवर गॉन टू स्मॉलर सिटीज, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस ही नहीं है, वहाँ प्रॉफिट ही नहीं है. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत जरूरी होते हैं, एंड दे आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स, दे आर वर्किंग फॉर द होलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब SBI की 7 सालों तक बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है, बट फाइनली गुड न्यूज ये है दैट सितंबर 2022 इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्वार्टर रहा है, विच इज अ ग्रेट न्यूज. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आवर लेट राकेश झुंझुनवाला सर, हु पास्ड अवे ऑन 14th August 2022, जस्ट बिफोर पासिंग अवे उन्होंने मेंशन किया था दैट ही इज वेरी बुलिश ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट केम आउट टू बी ट्रू. बिकॉज वो बोले कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, इनके पास बहुत डिपॉजिट्स होते हैं, इन बैंक्स के पास प्राइसिंग पावर है, एंड दीज बैंक्स विल बिकम डोमिनेंट. एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो तो हमें क्वार्टर रिजल्ट्स दिखाई. अब इनकी बात करते हैं इनके NPAs की. इनका ग्रॉस NPA है एट 3.52%, नेट NPA है एट 0.80%. ये है परफॉर्मेंस, और SBI की रिटर्न रही ऑफ 3,865%. सिक्स्थ बैंक आता है बैंक ऑफ बड़ौदा. अब ये बैंक हर चीज में है, जैसे कि पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बैंकिंग, रूरल एरियाज बैंकिंग, NRI बैंकिंग, ट्रेजरी बैंकिंग, ये सब तो है. बट जो इस बैंक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना, दैट पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके बावजूद इस बैंक ने ये सारी चीजें की हैं. लेट मी टेल यू, इट इज द सेकेंड बैंक विद द हाइएस्ट मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड्स, इट इज द थर्ड रैंक इन UPI रेमिटेंस, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन डेट इंश्योरेंस. तो आप देख सकते हो कि ये बैंक स्ट्रॉन्ग है और लोग इसमें भरोसा करते हैं. और जैसा आप देख सकते हो, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत हेल्थी रहा है और बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है. इनके NPA की बात करते हैं, इनका ग्रॉस NPA है 5.31%, विच इज हाई. इनका नेट NPA है 1.16%, विच इज अगेन हायर, बट द मैनेजमेंट इज वर्किंग टू रिड्यूस दिस. ये है इनका शेयर ग्राफ, और इस बैंक रिटर्न दिए ऑफ 1,521%. एक मिनट, अगर अभी तक देख रहे हो ना यार, तो दो चीज आपसे चाहिए. सबसे पहला तो अभी स्क्रॉल अप करो और सब्सक्राइब जरूर करो, एंड सेकंड, वीडियो के एंड में आप मुझे बताओगे कि आपको कौन सा बैंक या NBFC स्टॉक बेस्ट लगा, सो दैट आप दूसरों की मदद कर पाओ, अपना ओपिनियन देखे और दूसरों की ओपिनियन ले पाओ. सेवेंथ बैंक आता है इंडियन बैंक. ये बैंक आपको पता है 1907 का है, 1907 का बैंक है, एंड 1978 में गवर्नमेंट ने इस बैंक की ओनरशिप ले ली थी. ये बैंक ट्रेजरी में है, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में है, रिटेल बैंकिंग में है, और अदर बैंक के ऑपरेशंस में भी ये ऑपरेट करते हैं. इनका अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करिए ना, तो देखते हैं जो लोन्स ये दे रहे हैं कितना परसेंटेज किसको जा रहा है. 38% लोन्स इनका कॉर्पोरेट को है, 23% लोन्स एग्रीकल्चर में है, 20% लोन रिटेल में है, और MSME में इनकी लोन है 19%. बाय द वे, MSME इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. अब इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं. मैनेजमेंट बैंक को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. वो ये बोल रहे हैं कि इन फाइनेंशियल 2023 इनकी डिपॉजिट्स वुड इंक्रीज बाय 7-8%, और वो ये बोल रहे हैं दैट 12-13% ग्रोथ आएगी ईयर ऑन ईयर इन रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME सेगमेंट. अब ये तो है जो मैनेजमेंट बोल रही है, जो होगा आगे, व्हाट दे आर एमिंग एंड एक्सपेक्टिंग फॉर. अब बात करते हैं की हाईलाइट्स जो ऑलरेडी कर चुके हैं. सबसे पहली चीज, 300% ईयर ऑन ईयर रिटर्न आया है इनकी कस्टमर विजिट्स टू कॉर्पोरेट वेबसाइट, विच इज गुड. इट शोज कि कंपनी टेक्नोलॉजी में फोकस कर रही है, कंपनी इज मेकिंग श्योर कि वो अप टू डेट हो, एंड कस्टमर्स ऑल्सो कमिंग देयर, जो बैंक पे ऑर्डर्स दिलाता है. प्लस इनकी नई मोबाइल ऐप आने वाली है ऑफ UI UX विद हाई टेक्नोलॉजी, पूरी डेवलपमेंट हो रही है. ये ऐप लॉन्च होगी सितंबर 2023 में, और मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके कि इसका यूजर एक्सपीरियंस गोइंग टू बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द बैंक्स. उसके बाद इनका बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है दैट 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट लोन डिस्बर्स कर देते हैं, जो मेक श्योर करता है कि इस बैंक का बिजनेस बढ़े ही बढ़े. तो बैंकिंग मैनेजमेंट और बैंक बहुत मेहनत कर रहे हैं टू रीच दैट लेवल. अब बात करते हैं NPS की, और हाँ, NPAs काफी हाई है. इनका ग्रॉस NPA है 7.30%, विच इज वेरी हाई, एंड नेट NPA है इनका 1.5%. सिंस इंसेप्शन इस कंपनी ने रिटर्न दी है 177.18%. अब नीचे कमेंट बॉक्स में सर ठोक के बता दो कौन सा बैंकिंग स्टॉक आप चूज करोगे, सो दैट दूसरों को भी पता चल जाए और आपकी भी हेल्प हो जाएगी. एंड अगर आप बोलते हो मुझे बैंक नहीं गोयला, मुझे चाहिए मोनोपोली बिजनेस, तो ये रही वीडियो ऑफ द बेस्ट मोनोपोली बिजनेसेस इन आवर इकॉनमी.
Investment and securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.